परेशान ने सिमाड़ के धर लीजो, बाद में हिसाब ले लूंगी एक एक का। ठीक है माँ। अरे चाची, चाचा भैंसर की दवाई दे रहे ना देते? हाँ क्यों ना देता, सबको इलाज करे हूँ, 5 रुपया दे। इधर चले जाओ या गेट में कर, चाचा खालिद बैठे हैं, वहीं हैं बाबा, जाओ। सुना भाई ठेकरों, कहाँ परेशानी है? ए चाचा, हम तो अपनी भैंस की ओर से परेशान हैं, हमारे तो भैंस न्यार नहीं खारी कतई भी। अच्छा न्यार न खारी, तो भैया भैंस को रंग कहाँ समझो, न्यू बता तू पहले। इनों की भैंस है चाचा पीले रंग की, लाल लाल उस पर छींटे पड़ रहे हैं। हे चाचा, तुम बावली बातों को इतनी करो, किसने डॉक्टर बनाया तुम्हें? क्या कहेगा गांव समाज में जाकर उनका, ऐसा डॉक्टर मिल गया जिसे भैंस के रंग का ही पता ना। कह रहा मैं मुझे डॉक्टर बन जान दो, तुम सहायक डॉक्टर रह आओ, पर क्यों मानेंगे? टेक चंद गले में इस मंगल सूत्र को डाल के सबसे पहले बैठा अगला मुकदम बन के, मैं बनूंगा डॉक्टर। डॉक्टरी के एक हरफ पता ना आई नो, ए काले रंग की ना रहती है भैंस। बुरे मानने वाली बात ना टेक चंद, देखो मेरा लिख रहा सहायक डॉक्टर, सहायता कर रहा हूँ चाचा की, चाचा बुरा ना मानना, तुम हो इलाज बतलाओ इसको, इलाज बताओ। सहायक है सहायक बनो रे चुप, सीनियर डॉक्टर हूँ मैं तेरा। हाँ भाई, भैंस को इलाज तो तेरा हो जाएगा, तू पहले न्यू बता भैंस खवा कहा रहे हो? ए चाचा, भैंस तो भूसी खा रही है। भूस खवा रो, आग ही दिक्कत समझ में। एक काम करियो तू, जब भूसे खवा रहो ना, वहां में था 2 मण भूस निकाड़ के और भैंस के ऊपर कर उतारो, उतार के चुप देसी रात को, कहीं जांच ना पड़े हमारे भूस के कोठे में गिर जाइए, अगले दिन बढ़िया कोई दिक्कत ना रहेगी भैंस में। चाचा, या बासु भैंस के जान नो खाने का मतलब है? डॉक्टर तू है हमें, होश में बोल ले, होश में जितनी कहिए उतना कर, रात को 11 बजे तक पीछे भूस पहुंच जाना चाहिए और मोह भी जांच न पड़े, पहले बता रहा हूँ, भूस मिले मोह सुबह को कोठे में। जब ओ श्यामलाल, अरे हमें भी बताइए तब, हमारी तबीयत खराब रहे। अरे तेरा चल लो लास्ट टाइम, तेरा कोई इलाज ना, तू तो भगवान को नाम ले और यू ये तेरा इलाज सर लिख रहे होते। इतने उल्टी बात करे। ए चाचा यार, गलत बात है यार तुम्हारी ये वाली तो है, बतला दो बिचारे को, बताते क्यों ना हो दवाई गोली कुछ। अरे ठंडा परे को 1 रुपया देनो आजान हो को मुंह ठाए के, फ्रेम थोड़ी फट रही हमारी कलाकारी। जो पैसा दे रहा हो वह बताएंगे। डॉक्टर साहब, मेरा दिल टूट गया, मेरी सेटिंग में छोड़ के चली गई, अब मेरा कहीं जीना लगता ना, भूख लगती ना नींद आती, मैं क्या करूं? नींद नहीं आती, ये तो गंभीर समस्या, तू रखवाइयो निकुआ। यहाँ का दिक्कत है भीतरली साइड में। अब कहोगे डॉक्टर साहब, मुझे सुकून मिलेगा ना मिलेगा? मैं तो 5 रुपए में पूरा सुकून चाह रहा जिंदगी का, जिना भर मैं सुकून लेना तो 5 रुपए और निकाल है, हम बेकूफ बैठे ना, दे 5 रुपए और दे। नांदिया तो छोड़ के जाएगी, सिकल को ना देख रहा तू अपनी को, पिंचर बात। क्या हो रहा चाचा तुम्हें? सहायक डॉक्टर वैसे ही बने बैठे, हमें सहायता आना चाहिए, हमारे बाल बच्चे ना हर जगह हाथ घुसा रहे हो। अपनी मक्कारी से बाज थोड़ी आवे तू। चाचा मेरी मक्कारी छोड़ो, तुम अपनी मक्कारी को आगे बढ़ाओ, इलाज बताओ इस लांडे को। हाँ भाई, कहाँ बता रहा हो तू, नींद आ रही? ले
सूंघ ले। नींद आता है कि जल्दी? लंबी सांस ले, लंबी कहा। मैं जिनावर दूर सही कर रहा, वीआईपी दर्शन हो रहे तुझे। इस गुद्दी को आगे ला ना, अब सूंघ, खींच सांस को कैदी करके खींच। होगा चाचा, काम होगा है, इकल ना जा रहे ये चाचा। ज्यादा एमजी की नहीं दवाई, थोड़ी ही। नींद की प्रॉब्लम बता रहे हो, होगी नींद आ गई झटपट। इसे लिटाऊ तो उधर चाचा, इसे जनरल वार्ड में कर देता हूँ शिफ्ट है। चल बे चल। गरीब फैमिली का बच्चा है चाचा, दिल टूट गया बेचारे का, है ना, गलत हुआ। सोगा सुकून से नींद ना आ रही, अच्छी दवाई दी तुम्होंने चाचा। हाँ तो बेटा नागराज, बताओ क्या परेशानी है? तो परेशानी यू है चाचा, मेरा पैर यू नीला पड़ रहा। मक्खियाँ भी भिन भिन आ रही हैं इस पे तो चाचा। भाई खालिद, सही कह रहा हो यू तो? यहाँ की टोंग में तो चुनक पुनक कुछ भी ना हो रही। ऐसा चाचा, मुझे लग रहा है इसका मामला जो गंभीर पड़ा। फिर बेटा नागराज, मुझे बड़ा दुख हो रहा तुम्हें बताते में। तुम अगर 10 दिन पहले आ जाते तो मैं तुम्हारी टोंग बचा देता, अब नहीं बचा पाऊंगा। अरे चाचा, ये परेशानी तो है, मैं कल सुबह नहीं है, 10 दिन पहले कहाँ सुबह आ जाता मैं। डॉक्टर तू है, मैं हूँ। पहले तो ही होएगी बीमारी, या जांच न पड़ी होएगी, हमको इल्जाम लगा रहो। अब तू एक काम कर, या टोंग जो है ना बढ़ई के जार कटवा दे। मैं चाचा ये कह रहा हूँ, इंच टेप से इसकी जो टांग को नाप दो, कहाँ से कटवानी है। कभी ये वहां पे जाकर जो भूल जावे न कहां से इकलवानी है, ऐसा ना हो घोटे तक इकलवा दे कभी ये। नादान सिकल का आए, इसको ना समझदार इतनी। हम्बा, ठीक कह रहा हूं मैं, दिखा निशान लगाओ। मैं ना आप रहा हूं, तुम जो इसके निशान लगाओ तुम। नाप ज्यादा मत नाप है, कम कम। भाई फिसल ली है इसकी तो, खाल पे भी फिसल ला मीटर। इतनी बहुत है, थोड़ी और कम कर दे। जी दुखेगा वहां कम लगाओ चाचा निशान, यहां तक तो लीला पड़ी रहा है ये। जहां तक चाचा ने निशान मुझसे ना देखा जाएगा तेरा दर्द, ना रो मत। जहां तक चाचा ने निशान मारा ना, बढ़ई के कन्हा पे जाना है तुझे, चाचा का नाम बतला दियो, छूट बांट कर देगा वो तेरे लिए, डिस्काउंट हो जाएगा बेटे, इकलवा दे जा। मैं लीली पड़ गई, हमें भी जहर चढ़ाएगा नागराज, निकल जा यार। सिमालो चाचा खुद को, तुम डॉक्टर तो भगवान रहता, चाचा खुदा हो तुम इसके। कोई और होता तो नहीं काट डालता चाचा, तुमने तो फिर भी इसका छूट बांट करवाइए, बढ़ाई के नाम भेजा। अरे अमन देखियो, तुम ओपेसो भी पैसा लेगा क्यों? तू कोई रिश्तेदारी में आ रही है? अपने फूफा जयकरण पे तो ला दे। देख बे रुचि, हमारे बाबन जो है ना यहाँ उसका कुछ नियम कानून बना रखे, डॉक्टरी करने में भी उनको पैसा खर्च हुआ तो या हमारे स्टाफ चलता ना, तो कोई बात ना, फिर बाय बाय। पैसा हो तो जोक्स दिखवा ले तू, अगर 5 रुपया हो तो कोई दिक्कत ना, फिर देख लेंगे मारे बाबा।
चल ठीक है, तुम पे 5 रुपया पड़े दे देता फिर ले तो हैंग मां बेचारे ने दे दिए 5 रुपया। देखवा ला हमारे बाबा बैठे भीतर, जा पर्ची तो दे दे। पर्ची दे दो माइक काट के, दे दो एक रसीद काट के। आ ले नुई ले जाके दे दी जो हम ऐसी देख रहे हैं, पर्ची समझ जांग बाबा। जा बाबा, मो है ना ट्यूशन में एक लौंडा छेड़ा है। ट्यूशन में लौंडा छेड़ रहा? हाँ बाबा। तू भावली था ना, मैं 2-4 किलोमीटर में ओरे धारे तो देख सकूं, दिक्कत है मेरे बस की नौ ग्रेटर नोएडा छाड़ो, मेरे पवन में वैसे ही बाय बाय रहे। चाचा यार तुम्हारी ये गलत बात है, देख लो है, फिर तुम बावली बात तो करो ना करते हो। जब तुमने अपने इस बोर्ड में इश्तियार दिया अनुका जी, लड़ाई झगड़ों के मामलों में भी सुनवाई होगी, क्योंकि तुम पहले बदमाश रह चुके हो और अब जाना रही हो इसके साथ में। ए भाई मुकद्दम, हमारे तो बस की है नौ तक जानो, तेरे बस की हो तू चलो चाचा। अजी मेरा क्या मतलब पड़ा है इन चक्करों में पड़ने का चाचा, इससे बढ़िया तो तुम मुझसे कहने की बजाय अपने पोते से क्यों ना कह देते हो, उसकी तूती भी चलती कही है ग्रेटर नबेडे में, सुना मैंने, उसको भेजो, मुझे भेज रहे हो। अजी अब कहो तूती धरी है, ठंडी पड़ गई, बर्फ जमगी तूती इनकी, अब भेज दो बाबा। अभी कहूंगा तो बेटा अमर ने। हाँ जी बाबा आ रहा हूँ। बेटा लौंडिया गल जाता न ग्रेटर नोएडा, एक लौंडा जो उड़ रो कही है वाके पंखन ना कुतर दे। ठीक है जी बाबा जी, जा रहा हूँ। बाबा जी पाम छुई छुआ चल्दी चल। रा कच्छा तो ही जा गया थे। ना बाबा कच्छा में ना जा रहा, बदल लूंगा लत्ता, नए पैर के जाऊंगा। देख ले आपका कहा नया एक्सल लाया हूँ, कहा करके पाम छिंचवा। चाचा बस मैं तो इतना कहूंगा कलयुग है, इतना भी बहुत है पाम छिंचवा कर रहा हूँ, अन्य अब तो जो है ना पूछ ही मत ना, बस हमारा तो नहीं ठीक है यू। फिर भी अब तुम वो एक बात और बता खालिद, तैने इतनी गर्मी हो रही है, टोपा अब तक भी कैसा उड़ रहा हो तो गर्मी नहीं लग रही? अब चाचा तुम टोपे की सुन लो, गर्मी पड़ रही है बेजुलम जो मुझे भी भबका लगता है इसमें, पर चाचा जाड़ों में मैंने जो टोपा था उतारा है ना, मैं नहाना धोना तो होता ही ना जाड़ों में, तुम्हें पता ही है। अब चाचा मैंने टोपा जाड़ों में उतारा ना, इसमें क्या चाचा जू पड़ गई, अब सिर में चाचा इतनी जू पड़ गई, अब उन्होंने जो अपने घोंसले बना लिए पक्षी पेड़ पे ना बना लेते, अब ये जू रह रही है बेचारी, ये कहाँ जाएंगे। अब चाचा किसी का घर उजाड़ ना देखो खुदा को भी अच्छा ना लगता, इसलिए चाचा बर्दाश्तगी का काम चल रहा अपना तो, हजारों लाखों घर बसे पड़े हैं चाचा इसमें, इसलिए चाचा किसी का घर ना उजाड़ना, मेरी भी साबुन बच जाती है, शैम्पू बच जाता, कन्ना ना पड़ता अपना, नीचे नीचे का नहा लिया और अपना काम हो रहा बढ़िया, ये चाचा मामला। तकलीफ रहती है उनके बच्चे सो रहे होंगे चाचा, जो हिलाओगे जगाओ ना, आराम करन दो बेचारों को। अरे रुचि एक काम कर दीजो, जम बाबा में घूसा बजाओ ना, तू तनक मेरी वीडियो बना दीजो। क्यों कहा करेगा तू वीडियो बनवा के? अरे मैं वहाँ अपने इंस्टाग्राम पे घेरूंगा, वहाँ से जो लाइक मिले फॉलो मिले फैन बने ऐसे। चल ठीक है बना दूंगी। अरे देखे एक चीज का और ध्यान रखियो, एक भी घूसा जो मेरा लिकड़ ना जा वीडियो में, सब एकदम ऐसा कतई दिखा दीजिए सब लोग घूसाने लगते है ना। अरे चल ठीक है कैसे करेगा अब बना देंगे। भैया चलो मोटरसाइकिल खराब हो दिखे बेचारे की। अरे या मैं तो ऐसा ना लग रही शहरन में जैसा गर्मी ज्यादा पड़े, देखे मेरा तो रंग कालो हो जाओ या मैं बता तपत पड़ रही है, इंगे ही तो बता रही थी ना। अरे रुचि मैं सोच रहा देखे शहरन में भी जो ऐसी सो जाऊं तो फेरी में तो गोवन में सो जाऊं जैसा है ना। ए
उत्ते इनके एसी लगे रहे मैं। ओह नो। छोजी। और अरे रुकियो रुकियो यूया उलोंडा यूया। हाँ। चल तो उतर ताला लगा दूं भरोसा नौका ही को हाँ मैं बॉडी बिल्डर बॉडी बन के उतर निंगे कुतरिया सेस सेस उतर रो अरे वैसे यूया पक्को का ही और मच्छतवादी जो तू ए उत्ते यूया या हरामजादे ने मेरे ट्यूशन में जीनो मौत कर रखो ए भाई ट्यूशन में तू लौंडिया ने छेड़े आज तो बेटा हम छेड़ेंगे भैया आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो और तू जो ट्यूशन में लौंडिया ने छेड़े वो अच्छा है ए उत्ते टाइम मतलब छेद-छाद का अलग कर दिया ओहो यू तो रूचे होशियारी दिखा रहे हैं रहन दो अब बेहोश हो यार देख लो कुछ होता ना गया ए काहे को ऐसी मकर मचा रहा अरे खड़ा हो जा मकर मत मचावे हो भैया मारोगे तो नहीं ना ना मार रे हो जा बेटा आज के बाद तेरी शिकायत ना मिल जा नहीं हमारे गांव से जो हो ना शहर दूर ना तो शहर में आकर फिर कछे तूंगा भैया आप ज्यादा शहर शहर मत करो ठीक है ना मेरी जो बुआ है ना वो भी गांव से ही है मेरी बुआ का लड़का आपको देख लेगा भाई तो यार दोबारा तुम ओपन आ जाओ दूर पड़े इतना भी धोरे नो तू एक काम करवा अभी बुला ले लगे हाथ वहाँ भी छेद चलूं नारी बुलाने क्या जरूरत है आपके पीछे ही खड़ा है राम राम जी राम राम जी और ठीक हो भाई तुम ठीक तो हूँ कैसे मारो यू यू तो बहुत बढ़िया सवाल पूछो तुमने कैसे मारो यू मो नू बता या फिर का छेद का बताऊं या आपका तो खुराक दो या की छेद है मो ये दे दे खुराक अमन ओ अमन चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज रुचि वीडियो वीडियो तो ना बनाई ना तने होच के ए उत्ते मैंने तो पहले फोन सेट कर दियो साइकिल में तू वा डिलीट कर दवा वीडियो क्यों अब ना गेरा वा संटाग्राम पे अरे ऐसा अच्छा ना रहता गलत मैसेज जावे समाज में बालक बिगड़े हैं से लड़ाई झगड़े की वीडियो ना गिरनी चाहिए नु बतावे महर बाबा लड़ंगे मौसु हमार वैसी रिश्ता ना हो रहे नु और सोचा को कोई बताई तो मारपीट करता डोले कर दियो देखियो चल ठीक है कर दूंगी पर तो मो चाउमीन खवानी पड़ेगी ले बाबली युब कोई कहने वाली बात है खवा दूंगा चाउमीन तो आज सौंज गई ऐसा मैंने तो वादिन पौनिक पटाक ना खवाए अब भाई कल तू गया या लौंडिया गेल हंस के हुई मारपीट ना हाँ बाबा मारपीट करके आया हूँ ऐसा थोड़ी है बाबा खूब तोड़े बुझ लो यासो खूब घुसार कहानी बजाए भगवान कसम फिर तेरा ही गल्लो का सूझ रहा था यू तो बाबा जब हमारी हौज का लड़ाई हुई ना मारपीट हुई तो मारपीट के बाद यू कह लगी कि तेने भाई मेरी मदद करिए चल मैं तो दावत दे दूं तो बाबा ने वो चाउमीन खवाई तो तुम्हें तो मेरी आदत पता हो मैं चबा चबा के खाऊं पहले से ही तो बाबा वो चाउमीन मैंने यही डांट सू चबा चबा खाई तो असर थोड़ा तन मन इंग फालतू सो हो गो हाँ ऐसा ही है जस तू कह रहा ए, कहीं ना बाबा आके एक घूसा पड़ो हाँ तो सिकल का एक चला रही है एक ही तो घूसा लगाओ बस मेरे और मैंने कितने घूसा कहानी बजाए उन्हें कौन बताएगा वे गिने गए तो पे बकवास कर रही है खा के चाउमीन है जो सही कह रहा हो यू एक आध घूसा में मर्द दर्द न हो तो बाबा यूं बताओ जब मर्द के एक आध घूसा में दर्द ना होता तो फिर का हो वे एक आध घूसा में दर्द तो होता ना चीज हल्की फुल्की चीज हो जा दर्द ना हो तो अब तू यूं बता तेरा दर्द हो रहा है या चीज हो रही है मेरा तो बाबा चीज हो रही है चीज है हल्की फुल्की वे भी
कोई दिक्कत ना हो, सही हूँ। ले ये तो बढ़िया खबर है, ये तो मर्द है। चल तो मेरे मर्द बैठे खरक में दुकान लगवाओ, ग्राहक आने वाले होंगे। क्यों बाबा खरक में क्यों ले चल लो दुकान, घर क्यों ना देखो? तो पता ही है मोहल्ले वाले चिढ़ रहे हैं, जो बाबा और पोते जो अंधी कमाई कर रहे हैं और वो भी झोला छाप डिग्री थे। काई ने जो है कंप्लेंट करती पुलिस में, कभी भी छापा पड़ सके है या हमारे भैया अलग बदल ठेक है और रोजिनों की अलग अलग बदलनी है, या के बाद में जो है ना खेतन पर जमांगे ठंडी रहे, ठीक है ना? रिसक नहीं लेना कतई भी, समझ जा बात है ना? ठीक कह रहे हो बाबा, खरक में ही लगाऊंगा। चल चल यहाँ, चल आकर चाउमीन चुगली कर रही मेरी, निकट जलेंगे कर। चाचा ऐसा देखो, आज सांझ को मुझे 20 रुपये काल कर देती हूँ चुपचाप, बहुत दिनों से पैसा ना दिए तुमने। तू इतने पैसा को करे कहा तू, तो रोज तनखा चाहिए सांझ को। चाचा यार बाबली बातों को मत करो, दफा भी ना तुमने पैसा दिया तनखा के नाम पर मुझे, वो तो मैं जरा बहुत ऊपर की इनकम निकाल लेता हूँ कस्टमरों से, वरना तुम्हारे चक्कर में तो भूखा ही मर जाऊंगा मैं। 27 रुपये मैंने वहाँ पे जमा करवाई, 12 रुपया परसों दे दिए, 5 रुपया की बूरा आ गई और 5 रुपया मैं चाप गो, 5 रुपया मैं रुचि दे दिए। ओ नागराज कहाँ को थूतड़े उठा कर जा रहा हो यार, पर्ची तो कटवा ले। अमन मेरा वैसे ही दिमाग खराब है। रुक जा यहाँ को, बाबा ही नहीं आ रहा आंदू यहाँ। मैं तो बाबली बात है किस लिए खरे खरे, मैं आंदे इसको पुराना ग्राहक अपना, ये स्टाफ है इसका। ठीक है चाचा जा चलो, जा आजा बे आजा काली आजा। हे डॉक्टर साहब, मैंने तुम्हारे कहने पे अपनी टांग कटवा दी तो नकली टांग भी नीली पड़ रही है। या मेरे मुंह पे धरे कथई परे कर या थोड़ी सी। बागे को क्यों ना होता जिनाबर। भाई खालिद जा, मैं देख रहा हूँ वही देख रहा हूँ तू भी। चाचा बिल्कुल वही वाली बात है जो तुम्हारे मन में चल रही है, पर चाचा मुझसे जो इससे कहीं ना जाएगी, तुम ही कह के बतलाओ, मैं तो सहायक डॉक्टर हूँ ना, तुम हो सीनियर डॉक्टर, तुम ही बतलाओ क्या मामला बना। बेटा नागराज बड़े दुख के साथ तुम्हें बताना पड़ रहा है, जो तुम्हारी टोंगी सही ही तो दिक्कत कहीं और ही, जो तुमने बताई नहीं हमें, जो पेंट है ना तुम्हारी नकली सस्ती, यू रंग छोड़ रही। Oh, no. ना चाचा मैंने तो तुम्हारे कहने से अपनी टांग कटवा दी। मैं तो जनाबर एक बात बतला, तू चाचा के पास आया, नुखे जी डॉक्टर साहब मेरी टांग लीली पड़ रही है, ऐसे ही कही तू ने? ऐसे ही कही। अब चाचा ने जो सही सुझाव दिया नुखे, जहाँ तक लीली पड़ रही है इसको कटवा दे। तू आके पूरी बात बतला था नुखे जी, मैंने पेंट जो 30 रुपये की खरीदी है फर्जी बाजार से, कहाँ से? फर्जी बाजार से, सस्ते बाजार से, वहाँ 5 या तो 30-32 रुपये की तूने पेंट ले ली, उन्होंने जो चाचा इस पर नीला रंग रगड़ के इसको दे दिया। भाई तेरी किस्मत अच्छी है जिनाबर, जो तूने इसके साथ वाली कमीज ना खरीदी, वरना लीले रंग की अगर तू कमीज खरीद लेता तो उसे पहनता, सारा शरीर तेरा लीला पड़ता, चाचा तेरे सारे अंगों को कटवा डालता, तेरे हाथों को निकलवा देता चाचा, तेरी गर्दन लीली पड़ती चाचा गर्दन को निकलवा देता, बचगा तू टांग से बीच की जिनाबर, जिंदगी बच गई तेरी, ये भी चाचा की मेहरबानी मान, तू इन्होंने तेरी टांग से बिछा दिया, इकल्ले ना से चल, सुबह सुबह तूने जो दिमाग खराब कर दिया हमारा, देख लूंगा मैं तुम्हें। जा रहा ना जा रहा जिनाबर, नकली टांग पे भी जूते पहन का आया। मुड़का मत देख ली जा रू रेखू, चुप लिकट जा। चाचा ये अपने किसी हिमाती को ना लिया था, कभी मामला बिगड़ जा। दरोगा जी मेरे साथ तो धोखा कर दिया डॉक्टर श्यामलाल ने। डॉक्टर साहब जानवरों का भी इलाज करते हो ना? भाई देख रहे हो चाचा है कैसी कैसी बावली बातों को कर रहे हैं यहाँ पे। भाई महाराज यार ऐसी बात मत करो, डॉक्टर साहब बैठे, जिस प्रकार का भी इलाज हो, किसी का भी इलाज हो, वस्तु हो, पस्तु हो, पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो,
सबका इलाज करते हैं चाचा। डॉक्टर श्यामलाल पढ़ना रहे हो तुम ना पे, डिग्री भी झोला छाप वाली ले रहे हैं जैसे तुम्हारा झोला। तुम बस पैसे निकालो फीस के रूप में, जो इलाज करवा लो, पैसे मेरे ना हाथ पे रखने। चाचा मेरी मानो तो बड़ा अस्पताल बनवा लो, तुम ग्राहक बढ़ रहे हैं तुम्हारे, हरिद्वार से कस्टमर आ रहे हैं चाचा, तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी चाचा। ना ऐसा नहीं, सहायक डॉक्टर बनना हो तनख्वाह जरूर बढ़ाना तुम मेरी। हाँ ऐसे आ रहे हो। गलती हो गई महाराज, मुझसे यार गलती हो गई, मानते अपना कंधे गाऊ। वह भैया इसको हटा यार। सही हो जा खालिद, सही हो जा, कोई बात ना। हाँ तो बाबा जी बताओ कहाँ पर है सोनिया आके? डॉक्टर साहब ये कई दिन से दूध नहीं पी रहा। दूध ना पी रहा? पूरे को ले आओ, मुआ पकड़ के, मुआ अपनी ओर पकड़ के। ठीक है ठीक है, दूध पिया में खुद तो सटके हैं जो रसगुल्ले ने बर्फी। अरे आप बेचारे माता के जीव है, फीको दूध प्यारे रहे सौंझ को मीठे को दूध, चीनी गेर दिए दूध में। ना गलते जी, देखो किसी का बच्चा है, वो भी दूध पिलाओ मीठा पिलाओ, बॉन बीटे डाल दो जरा सा कुछ भी ना तो, बॉन बीटे से भी तो खुश रहता बच्चा, बच्चा ही तो अभी नादान है। लेता हो गए लाज। चाचा इस तरह ना रहने का हूँ मैं तुम्हारे यहाँ पे, किसी दिन प्राण निकलवाओगे यार तुम तो है। दिन बजार लगो ना बैठ कर, तुम है नुका जी बन गया डॉक्टर, सभी चीजों के डॉक्टर, इन लाइनों को हटवाओ ही ना को तुम। रचो अत्तर तो बड़ा डॉक्टर, इन्होंने बड़ा फर्जी वाला कर रखा है। ए चाचा यार मुझे लग रहा नागराज ने पुलिस भेज दी थी, क्या दरोगा आ रहा कॉन्स्टेबल के साथ में, आज मेरा दबोच ले चल।